हाय एवरीवन, वेलकम है आपका परफेक्ट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के भंग होने पर पहली बार पोस्टें निकाली हुई हैं कमीशन बेस पर। और ये जो पोस्टें हैं, ये पोस्ट हैं आपके कंडक्टर के पोस्ट के लिए। मीन्स आप जो हैं कंडक्टर की जो पोस्ट निकाली हुई है आपने, इन्होंने जो है इसके लिए सबसे पहले 3 अप्रैल को जो है पहले एक प्रेस नोट दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि इन्हें ये इनवाइट कर रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किसके लिए, कंडक्टर की पोस्ट के लिए इन एचआरटीसी। जब आप इसको क्लिक करेंगे, जब आप इस यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में, तो आपके पास एक पीडीएफ की फाइल डाउनलोड होगी, जो इस तरह से आपको दिखेगी। ये प्रेस नोट है जिसमें कुछ मेंशन कर रखा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आप इस, इन्होंने 4 तारीख को रात के 12 बजे जो डाली हुई है वो एक और इन्होंने एडवर्टीजमेंट डाली हुई है प्रॉपरली, जिसमें आप पूरी डिटेल में इसको जान सकते हैं। तो हम चलते हैं पहले प्रेस नोट की तरफ। तो प्रेस नोट में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा था, एक एडवर्टीजमेंट ही है कि एक प्रेस नोट है, इसमें इन्होंने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो इन्वाइट कर रहे हैं, ये किसके लिए, कंडक्टर की पोस्ट के लिए। यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट भी मैंशन कर रखा है, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हिमाचल प्रदेश। कंडक्टर की पोस्ट है क्लास 3 के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, राइट। और कितनी पोस्ट हैं इनमें, जो टोटल पोस्ट हैं वो यहाँ पर हैं 360 पोस्ट हैं, राइट। 360 टोटल पोस्ट हैं जिनमें मैंने कैटेगरी वाइज जो है बता रखा है। जैसे अनरिजर्व के लिए, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उसके लिए जो है 130 पोस्ट हैं। अनरिजर्व वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 4 हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 38 हैं। ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश 63 हैं। ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश बीपीएल के लिए 13 पोस्ट हैं। ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2 पोस्ट हैं। शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ एचपी के लिए 73 हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एचपी ऑफ बीपीएल के लिए 13 पोस्ट हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एचपी वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 4 पोस्ट हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 15 हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ एचपी बीपीएल के लिए 5 पोस्ट हैं। तो इस तरह से इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर। और इसके अलावा इन्होंने एक नोट भी दे रखा कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले ही अप्लाई कर रखा है इस पोस्ट के लिए, कब, जब हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड हमीरपुर ने 1031 जो पोस्ट कोड था उसमें निकाले थे कंडक्टर की पोस्ट, तो उन्होंने अगर वहाँ पे एग्जामिनेशन की फ़ी दे रखी है तो वो उनको दोबारा से फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनको जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो 45 साल का होने वाला था उस समय वो एलिजिबल था, पर वो अब एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल हो गया है, तो वहाँ पर जो है उसको भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बता रखा कि ये जो वेबसाइट इन्होंने दे रखी है यहाँ पे www.hp.gov.in/hppsc, तो आप जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है ऑनलाइन जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। बट अब अगर मैं अभी इसको क्लिक करूँ तो अभी ये नहीं खुल रहा, हो सकता जब अभी आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अब तक ये जो पोर्टल इन्होंने ओपन कर दिया होगा। फिर इसके बाद ये तो एक छोटा सा प्रेस नोट था जिसमें आप देख सकते हैं, बट अगर आप इसके अलावा मतलब कुछ डिटेल में और जानना चाहते हैं, इन्होंने यहाँ पर पूरा डिटेल में मेंशन कर रखा जो इन्होंने 4 अप्रैल को डाली हुई थी पोस्ट। इन्होंने इसमें क्या बता रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, वही सारी चीज़ें हैं। पहले तो इन्होंने बता दी क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो 1/5/2023 है, मतलब 1 मई है, 1 मई रखी गई है। और जो डिपॉजिट है फीस जमा करने की जो डेट है वो भी सेम रखी गई है, रात के 12 बजे तक, मतलब 11:59 तक, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर रखा है कि कौन कौन सी पोस्टें हैं और किन किन कैटेगरी के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर इन्होंने पे का लेवल भी बता रखा है कि 20,000 से लेकर के जो है 64,000 के बीच में जो है इनको सैलरी मिलेगी। और क्या क्या चीज़ें हैं मैं नीचे और आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फाइनल सिलेक्शन विल बी बेसिस ऑन द मार्क्स ऑबिटेंट इन द रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा नीचे बताना भी चाहूँगा। चलिए, बाकी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो इस पीडीएफ का लिंक या इन दोनों पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे पहले तो इन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, कंडक्टर की पोस्ट हैं 360 पोस्ट हैं, और जो मैंने पहले से आपको ऑलरेडी कैटेगराइज करके मैंने बता रखी है। और जो पेमेंट का जो लेवल है, पे बैंड लेवल जो रहेगा 20,200 से लेकर के 64,000 रुपये तक के बीच में रहेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगी, असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो +2 या इंटरमीडिएट है,
जो एक जो है रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए, प्लस इसमें जो वैलिड कंडक्टर लाइसेंस भी लगेगा। इसके अलावा एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 45 साल ही रखा गया है। 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो जो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी कैटेगरी हैं अगर आप इसमें आते हैं तो। इसके अलावा ये जो एज जो लास्ट है 45 साल, वो 1/1/2023 तक ही होनी चाहिए, इसके बाद की ये नहीं लेंगे। मतलब अभी आपकी जो एज ज़्यादा हो गई थी 1/1/2023 से पहले 45 साल से ज़्यादा, तो तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, मतलब आप एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बाकी पेमेंट मोड इन्होंने बता रखा, पूरी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं कि पहले एक रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जामिनेशन होगा, जो एमसीक्यू टाइप में रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे इन्होंने देखो ये चीज़ बता रखी है कि द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर ऐसा होता तो शैल बी नोटिफाइड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो बीच के जो टाइम रहेगा उसमें जो ये बता देंगे कि भैया हम ऑनलाइन लेने वाले हैं या ऑफलाइन लेने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जानना ज़रूरी है वेरिफिकेशन के लिए कि कैसे होगा, कि जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में जो आप मार्क्स गेन करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद जो है अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आप मतलब क्वालिफाई करते हैं उसको, तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसमें आपका कैटेगरी भी अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो प्योरली मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड, मतलब आपके डॉक्यूमेंट के नहीं जुड़ेंगे, जो आपने मार्क्स गेन किए हैं उन्हीं के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये था आज का वीडियो जो कंडक्टर की पोस्ट के लिए निकला हुआ है। इसकी और डिटेल में जाना है तो इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि परफेक्ट इंस्टीट्यूट HRTC कंडक्टर के ऑनलाइन बैचेस भी शुरू करने जा रहा है। अगर आप हिमाचल के किसी भी कोने के रहने वाले हैं और आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो आप घर बैठ करके भी हमारे ऑनलाइन बैचेस से पढ़ सकते हैं और आपका जो सपना है HRTC में कंडक्टर की पोस्ट को हासिल करने का, उसको पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच।